अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप फेसबुक बिना मोनेटाइजेशन के बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और डॉलर कमा सकते हो। वो क्या तरीका है, सो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। और सबसे पहले ये कि आपने गौर से सुनना है जो मैंने कहना है, उसके बाद वीडियो को कंप्लीट देखना है, उसके बाद आपने करना है स्टार्ट और आपके पास आने हैं डॉलर और पैसे और बहुत सारे पैसे आपने कमाने हैं एट सेम टाइम, एक ही वक्त में बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत है, कर लो, दिन को आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपका, 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन काम दिन को आपने करना है। दिन में 15-20 मिनट निकालो। अगर दिन में नहीं कर सकते तो फिर आप 2-3 दिन बाद जरूर करना। अगर 2-3 दिन बाद भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में जरूर आपने 1 घंटा निकाल के काम करना है और बगैर फेसबुक मोनेटाइजेशन के आप लाखों रुपए कमा सकते हो। वो कैसे? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए फेसबुक पेज, लेकिन फेसबुक पेज की मोनेटाइजेशन की हमें जरूरत नहीं है। जो जो तरीकाकार मैं आप लोगों को बताऊंगा और उस पे आपने करना है अमल, और उसके बाद आपको जरूरत नहीं है। वैसे फेसबुक ने कहा तो है कि 2023 में पाकिस्तान में भी फेसबुक का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, लेकिन हमें मोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं है। वैसे जो पेज हम बनाएंगे उस पर आगे जाके आपने वो उसका अपना टाइम और फॉलोइंग खुद बखुद ही जो तरीका मैं बताऊंगा वो खुद बखुद कंप्लीट हो जाएगा। आगे आगे मोनेटाइजेशन अगर ऑन हो जाए तो फिर आपके बल्ले बल्ले वो भी फ्री में हो गया, मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा और आपका काम भी उससे पहले चलता रहेगा। हमें जरूरत मोनेटाइजेशन की नहीं है। सो लेट्स गो टू स्टार्ट और टॉप स्क्रीन पर चलते हैं। और वो तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए एक फेसबुक का अकाउंट, और अब मैं यहाँ फेसबुक पे मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। आप लॉग इन हो जाए अपने फेसबुक की अकाउंट में, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है पेज में, आपने यहाँ पे क्रिएट करना है अपना। अगर आपके पास कोई पेज है तो उसकी सेटिंग कर ले, नहीं है तो आप इस तरह करें कि क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन है, जो तरीका इसमें कंप्लीट मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करना है। आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज, आपने एक पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। उसका आपने यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम, कोई भी क्रिएटिव नेम यहाँ पे रख सकते हैं। तो मुस्तकबिल में अगर आप उसको फिर यूज़ करना चाहते हो मोनेटाइजेशन के बाद तो वो आपकी वो भी काम आए और आप यहाँ पे उसका एक नाम दे रहे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिव लाइव, यहाँ पे इस नेम से मैं बना रहा हूँ ये पेज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कह रहे कि जी कैटेगरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के वीडियोस पे तो ये नहीं आ रहा। अब आपने अपने हिसाब से कैटेगरी यहाँ पे, मैं यहाँ पे यहाँ पर क्रिएटिव एजेंसी का वीडियो या मैं एंटरटेनमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटरटेनमेंट यहाँ पे बिजनेस सेंटर नॉन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंटरटेनमेंट, ठीक हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी आप लिख सकते हो वीडियो यहाँ पे आपने क्रिएटर लिया था, क्रिएटिव डायरेक्टर कुछ भी आप लिख सकते हो। आपने कैटेगरी आपने खुद चूज करना है, यहाँ पे आपने ये ऑप्शनल है, आप लिखना है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो व्यूअर्स, यहाँ पे आप लिख दें कि हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय पेज क्रिएटिव, ब्रैकेट में आप लिख दें क्रिएटिव लाइव, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट पेज के ऊपर आपने करना है क्लिक और आपका पेज यहाँ पर हो जाएगा क्रिएटिंग हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा आपने करना है वेट, मेरे को करें तो थोड़ा सा जूम ताकि आपको नजर आए, ठीक हो गया। यहाँ पे क्रिएटेड यू कैन नाउ मैनेज योर पेज टू ऐड मोर डिटेल,
ठीक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट एड प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर मैंने ऑलरेडी बनाया तो है। यहाँ पर मैंने ये प्रोफाइल पिक्चर, ये देखो मैं बाद में नाम इसका चेंज करूँगा। यहाँ पे मैंने सीएम के नाम से यहाँ पे इसको करते हैं ऑलरेडी। मैं पहले चेक कर रहा था कि मैं किस नाम से बना रहा था, क्योंकि ये बाद में बड़ा मसला होता है, क्योंकि बाद में चेंज ये बड़े मुश्किल से होता है। वो अप्रूवल के लिए जाते हैं, और उसके बाद क्राउड मोर के नाम से मैंने बनाना था ये फेसबुक पेज। मैं इसको प्रीवियस जाता हूँ, प्रीवियस यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉमन। एक बार दोबारा देख लेता हूँ मैं किस नाम से मैंने बनाना चाहता, क्राउड मोर। ये पहले ये चीज़ें पहले मैंने बना के रखी हुई है, CROWDMORE, क्राउड मोर। अच्छा, ये इसलिए ज़रूरी है कि ये नेम अगर बाद में आप वो चेंज करना चाहते हैं तो वो अप्रूवल के लिए जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, मुश्किल है कि आपका ये चेंज भी हो जाए। ठीक है, सो फर्स्ट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक हो गया, यहाँ पे एज इट इज नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको कह रहे कि जी आप अपना वेबसाइट या कॉन्टेक्ट अपने यहाँ पे, अगर आपका कोई शॉप है, कोई शॉप के लिए आप फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जरूर अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करें, और लोकेशन सिटी और पोस्ट कोड और ये चीजें यहाँ पे ऐड करें। ठीक हो गया, मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे आपने मैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर वह जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। ठीक हो गया, यहाँ पर आ गया सीएम यानी क्राउड मोर के नाम से मैं एक पेज बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं कर रहा था यहाँ पे एड कवर फोटो, और इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, बेहतर है कि कोई नाम सजेस्ट कर लो, उसके बाद आप ये चीजें बना लो तो अच्छा है। ठीक हो गया, अब ये तो हो गया, अब यहाँ पर यहाँ पर ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऐड एक्शन बटन का पूछ रहे हैं, आपने ये करना है यहाँ पर ट्राई ऐड। अब यहाँ पे आप अगर शॉप है आपका तो बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, ऑर्डर के जरिए आप करना है यहाँ पे। मैं यहाँ पर चूज करूंगा फॉलो का, अगर है तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्राउड मोर सेव। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है आपने। थोड़ा सा आपको यहाँ पे करना होगा वेट, क्योंकि पेज यहाँ पे क्रिएट होगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पे अपना अगर व्हाट्सएप के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर गेट कोड ले लें, और यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, मैं अब स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे इन्वाइट फ्रेंड, या वो कह रहे कि जी आप अपने कुछ फ्रेंड यहाँ पे इन्वाइट, अगर आप इन्वाइट करना चाहते हो इन्वाइट कर ले, नहीं तो ये देखो ग्रो क्राउड मोर बाई इन्वाइटिंग योर फ्रेंड टू कनेक्ट विद। ठीक हो गया, मैं अलर्ट नहीं कर रहा फेसबुक, और यहाँ पे पेज नोटिफिकेशन ऑफ योर प्रोफाइल इसको ऑन रखने तो ऑफ कर दे, और यहाँ पे डन। तो ये पेज हमारा हो गया क्रिएट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बड़े गौर से आपने सुनना है, क्योंकि हमने मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमें मोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं है, पेज मोनेटाइज हो ना हो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक हो गया, अच्छा ये पेज हमारा यहाँ पे हो गया रेडी। ठीक है, वो आप सेटिंग में जाके मजीद अगर आप कुछ सेटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, और इसको आप कंप्लीट कर ले यहाँ से, जो जो ऑप्शन आपसे मांग रहे हैं वो आप उसमें डिटेल एंटर कर दे। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट जो आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको आपको वो वाली वीडियो देखनी है जिसकी मिलियन में व्यूज हो, चाहे वो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिले, चाहे फेसबुक पर मिले, लिंक्डइन पर मिले, जहां भी टिकटॉक पर मिले, जिस भी जगह पर आपको कोई भी वीडियो मिले जिसकी मिलियन ऑफ व्यूज हो, वो वीडियो आपने करना है डाउनलोड। सो मैं चलता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और या आप फेसबुक से भी ले सकते हैं। मैं वैसे
देख रहे हो यहाँ पे, अगर हमें कोई वीडियो मिल जाए, अदरवाइज हम फेसबुक से जाके डाउनलोड कर लें, कोई टेंशन नहीं है। ये कॉपीराइट, इस पे हमें कॉपीराइट वगैरह का टेंशन नहीं है। मिलियन यहाँ पे, अब वीडियो ऐसी वीडियो देखो जो लोग ज्यादा देखते हैं, जिसकी मिलियंस में यहाँ पर व्यूज हो। ये देखो 8.8 मिलियन व्यूज इसके 5 मंथ पहले ये अपलोड हुई है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। तो इस तरह से, इस तरह की छोटी वीडियो, ये देखो 3 इशारिया ये 3.8 मिलियन व्यूज है इसकी। मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी लिंक कर रहे, इसको कर दे डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, डाउनलोड डाउनलोड यूट्यूब, आप लिख लो यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप वो लिंक को पेस्ट कर दे, यहाँ से आपने क्या करना है, अभी आ जाएगी वो वीडियो, आपने करना है डाउनलोड। इस तरह की वीडियो आपने इस तरह करना है कि ये वाला आपने 33.8 MB, आप अगर हाई क्वालिटी का करना चाहते हो तो आपको हाई क्वालिटी का भी यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, और ये हमारी वीडियो 1-2 मिनट में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसको कर देते हम क्लोज। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो मिलियंस में व्यूज होते हैं किसी भी वीडियोस की, ये सारे अब आपने ये करना है, इसको करना है क्लोज। अब ये वाली जो वीडियो डाउनलोड होगी, इसका हमने ये यहाँ पे हमने इसको कॉपी करना है, ये लिंक इसका, ये आपने जब वीडियो अपलोड करनी है तो आपने यहाँ वहाँ पे जाके आपका जो है ये टाइटल आपने देना है, ठीक है। अब ये वीडियो हो गई डाउनलोड, अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है अपने फेसबुक पेज में। फेसबुक पेज में जाने के बाद यहाँ पे आपने जाना है क्रिएट एड, यहाँ पे कर सकते हो क्रिएट बूस्ट लिंक। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने सर्च करना है, उसमें नहीं आ रहा फेसबुक, फेसबुक ये पेज के ऊपर आपने वीडियो डाउन डालनी है, फेसबुक अकाउंट के ऊपर नहीं करना आपने। फेज ये क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पे लिखेंगे, जब पेज पेज आपका बन जाए तो उसके बाद आपने क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर जाना है इस तरह, और तब जाके आपने ये वीडियो वहाँ पे ये देखो रिडायरेक्ट हो जाएगी टू मीटा बिजनेस सूट, ये वहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। आपने क्रिएटर फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो लिखना है तो आपके पेज के ऊपर यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आपका पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट यहाँ पर आपने क्रिएट एड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। अब क्रिएट एड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वाली वीडियो अब हमने इधर अपलोड करनी है, ठीक है, अपने फेसबुक की पेज के ऊपर हमने वीडियो अपलोड करनी है, तो इंटरनेट में रस्ता थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा। या आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर एड वीडियो के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पीसी से आपने जो वीडियो अपलोड किए डाउनलोड किए वो यहाँ पर इसको क्लिक करना है, और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। कोई एडिटिंग वेडिटिंग की जरूरत आपको नहीं है, सिंपल है, वहां से उठाना है और यहाँ पे आपने लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा अपलोडिंग में इसको टाइम लगेगा। तो फेसबुक पेज की जब आप वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें थोड़ा सा टाइम लगता है, सेम वही तरीका है यहाँ पे वीडियो अपलोड करने का, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, ठीक हो गया। अब कितना टाइम लगता है ये अब हमें नहीं पता कितना टाइम लगता है, लेकिन ये देखो अपलोड हो रही है वो वाली वीडियो आपकी पीसी से। इस दौरान जब ये अपलोड हो रही है तो मैं आपको बात बताता हूँ कि अब उसके बाद क्या है।
अब उसके बाद आपने इस वीडियो आप मुसलसल आपने कुछ वीडियो अपने वहाँ से उठाना है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो लोग जिस वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हैं जो जिन लोगों ने फेसबुक पर अगर वीडियो देखी हो यूट्यूब के ऊपर वीडियो कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वीडियो लोगों ने ज़्यादा देखी हो तो वो वाली वीडियो आपने डाउनलोड कर देनी है और यहाँ पे आके क्रिएटर स्टूडियो में आपने वो वीडियो धड़ाधड़ आपने यूट्यूब फेसबुक दिन को दो भी कर सकते तीन कर जितने आपको मिले दिन को कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको एक इसलिए बताया कि अगर आप नहीं कर सकते एक तो कर सकते हो ना हफ्ते में तो कर सकते हो एक तो ये वाली वीडियो आपने लगानी है और जब आपकी व्यूज आना उसके ऊपर शुरू हो जाए मिलियंस में जिस तरह इसकी व्यूज गए हुए कुछ दिनों में फेसबुक के ऊपर तो वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है तो इसमें जब अगर 10 लाख व्यूज आए या 5 लाख व्यूज आए यानी 1 मिलियन से अगर आपकी व्यूज ज्यादा हो जाए ना तो फिर क्या हो जाता है अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा सा पहले इस वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ। जब आपके मिलियन व्यूज आते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे एक स्टोरी में आपको सुनाता हूँ ठीक हो गया। यहाँ पे टैक्स वो ई वाला हमने जो पेस्ट करना है ठीक हो गया। ये वीडियो हमारे पास यहाँ पे हो गई डाउनलोड एक स्टॉप मोड और ये फोन पे करते फोन पे कैसे शो होगी यहाँ से आप चेक कर सकते इसको ठीक है। ये देखो वीडियो हमारी हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है यहाँ पे हमने करना है सिंपली इसको पब्लिक अगर आप शेड्यूल आप कहते हो कि नहीं जी मैं अभी इस टाइम इसको पब्लिक नहीं करना चाहता आप शेड्यूल पे क्लिक करके टाइम सेट करो वो खुद बहुत हो जाएगी यहाँ पे आप सेव ड्राफ पे करोगे तो फिर जब आप कहते करें उस टाइम आप इसको पब्लिश करते हो मैं पब्लिश नाउ कर देता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे पब्लिश के ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ और ये यहाँ पे डन और मेरी वीडियो हो गई मेरी पेज के ऊपर अपलोड और यहाँ पे अब शो करेगी वीडियो ये देख रहे हो। अब इसके नीचे यहाँ पर अच्छा अब हम चलते हैं ये तो हो गई पब्लिश ठीक हो गया व्यू इनसाइड कहा गई वीडियो कहा गई यहाँ पर अब इसको छोटा कर लेता ताकि अच्छा ठीक हो गया। ये होम पे कहाँ आ जाते हैं वीडियो यहाँ पे हमारी हो गई अपलोड ये वीडियो यहाँ पे हमारी हो गई अब किधर है किधर कंटेंट पब्लिश होने में वीडियो थोड़ा सा टाइम लेगी आई थिंक मेरा ये जो ख्याल है थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगी ठीक हो गया। सो वीडियो आपकी यहाँ पे हो जाएगी अपलोड जो तरीका मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी पब्लिश हमने पब्लिश तो किया हुआ है लेकिन इसलिए कि अब हम फेसबुक पे जाते हैं यहाँ पर इसको रीलोड कर देते हैं तो वीडियो हमारे पास आ जाएगी। अगर ना भी आई तो आपने सिंपली जो पेज आपका बन जाए वहाँ से आपने जाके सिंपली यहाँ पे फेसबुक पेज यहाँ पे इसको पब्लिक और यहाँ से आपने उस वीडियो को दोबारा यहाँ से लेके यहाँ पर आपने इसको यहाँ से पोस्ट कर देनी है सिंपली। ये तरीका तो आपको आता है ना इस तरह तो कर सकते हैं यहाँ पे लेकिन ये पेज में आना ज़रूरी है मैं इसलिए आपको उधर बताया क्योंकि अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि वो फेसबुक पेज पर नहीं आ सकते मतलब उनको पता नहीं होता फेसबुक पेज ढूंढ रहा होता है किधर है फेसबुक पेज तो फेसबुक पेज आपको मैं बताया था कि आपने अगर अपना फेसबुक खोल दिया तो वहाँ क्रिएटर स्टूडियोज अगर आप नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है यहाँ पे सिंपली फेसबुक में आना है और फेसबुक अपडेट होने के साथ साथ अपने जो आइकन जो होते हैं वो चेंज करते रहते हैं तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अपने उसमें ढूंढने में कि वो आइकन कहाँ पे है ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे ये पोस्टिंग में ठीक हो गया। सो जब तक ये पोस्ट होती रहेगी तो जो स्टोरी में यहाँ से ब्रेक किया हुआ था वहाँ से दोबारा आपको बताता हूँ कि जी जब आपकी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है उसके बाद ये होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो
आपको ऑफर देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखो 100% अब हो रहा है कि जी आप हमारे जो लिंक है हमारे जो कंपनी का उसने बनाया हुआ है वेबसाइट का, वो आपने क्या करना है, ये देखो विल बी प्रोसेस, यहाँ पे हो रही है प्रोसेस, ठीक हो गया। वीडियो थोड़ी देर बाद हमारे फेसबुक के ऊपर, अच्छा फेसबुक यहाँ पे खुल गया, तो पेज यहाँ पे सिंपल यहाँ पे साइड पे पेज अगर आपको नजर नहीं आता तो सी मोर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको पेज ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और उसी पेज ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और इसी पेज ऑप्शन के ऊपर अगर आप आए तो फिर आपको वहाँ से क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इसे वो मैं आपको बता रहा था आपकी इजी होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पेज के ऊपर आना है, पेज के ऊपर आपने आना है होम पे यहाँ पर, और जो ऑलरेडी हमारी वीडियो आप अपलोड हो रही है, अब थोड़ा सा यहाँ हमें टाइम लगेगा वो वीडियो अपलोड होने में, ठीक हो गया। सो जब ये आपकी ये देखो ये वो वीडियो आपकी यहाँ पे ये यहाँ पे वीडियो आपकी अपलोड हो गई है, ठीक हो गया। ये वीडियो इनके ऊपर जब व्यूज आ जाते हैं 1 मिलियन या उससे ज्यादा, तो क्या होता है, ये होता है कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, फॉर एग्जाम्पल सुजुकी की जो कंपनी है, होंडा की है, और जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी मैं आपको $1,000 देता हूँ, मैं आपको $2,000 दूंगा, $3,000 दूंगा, इतने पैसे, ₹1,00,000 दूंगा, ₹2,00,000 दूंगा, आप इस तरह का देखिए इस वीडियो के अंदर, ये जो आपने वीडियो बनाई है इसमें आप हमारा लिंक लगाए। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको लिंक कैसे लगाना है, वो 1 मिलियन के बाद आपको बड़ी बड़ी कंपनीज आपको ऑफर देती है कि आप हमारा लिंक लगाए और इतने पैसे आप ले आपकी, इसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बनाते हो अपना जो पेज है उसमें आपने फोन नंबर और ईमेल जरूर ऐड करना है। अब ये मैंने आपको जल्दी जल्दी मैं करना चाहती, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैंने आपने कुछ ऐड नहीं किया, अब मैं दोबारा इसे ऐड करूँगा और सब चीज़ें अपनी ऐड करूँगा, तो आपने भी ये जरूर करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आपने जरूर ऐड करना है, ठीक हो। ये वीडियो हुई डाउनलोड, अब आपने क्या करना है, अब जब आप वीडियो अपलोड करते हो, मैंने आपको दिखाया जब जिस जगह पर आपने ये डाल दिया, अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप दोबारा वीडियो को वहां से देख ले, मैं दोबारा वीडियो को प्रीवियसली लेके जा, मतलब इस सारे प्रोसेस को दोबारा नहीं कर सकता। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने टाइटल का फिर उसके नीचे यहाँ पर आपने वो लिंक पेस्ट करना है, जो लिंक आपको वो देंगे, तो इसी तरह जो लोग आपकी वीडियो देखेंगे वो उस लिंक के ऊपर भी क्लिक करेंगे और उससे वो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा और वो एडवर्टाइजमेंट के लिए इस तरह आपको दे रहे थे। योर वीडियो इज रेडी एंड नाउ यू कैन वॉच इट, ये देखो इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे वीडियो हमारी अपलोड हो गई है, ये देखो ये वो क्रिएटर स्टूडियो से भी वहाँ पे हो गई है और यहाँ पे हमने यहाँ से भी पोस्ट कर दी, ठीक हो गया। ये दोनों वीडियो आ गया, अभी दोबारा मुझे एक डिलीट करना पड़ेगा, 3 मिनट देखो यहाँ पर इस एक पोस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये अब हम तो पब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर अभी कंटेंट के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, यहाँ ये कंटेंट मैं रिलोड कर देता हूँ और वीडियो ये तो ये वो वीडियो है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब यहाँ पे आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, एडिट करते हैं, एडिट पोस्ट करके, तो वो लिंक आपने किधर लगाना है, बेहतर है कि आप वीडियो यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो से यहाँ पे अपलोड करें, ठीक हो गया। ये आप एक वीडियो ये देखो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये देखो अब ये देखो उस टाइटल में सबसे पहले आपने टाइटल पेस्ट कर दिया, फिर अब मैं यहाँ से कोई भी फॉर एग्जांपल मैं कोई लिंक उठा रहता हूँ, फेसबुक खोल लेता हूँ, यहाँ पे फेसबुक खोलने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं इसी वीडियो का लिंक उठा लेता हूँ, तो इसको यहाँ से क्या करना है, यहाँ शेयर पर क्लिक करके यहाँ से ये मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, वो आपको लिंक देंगे, कॉपी लिंक, ठीक हो गया। ये लिंक आपने कॉपी कर दिया, यहाँ पर आपने इसको और इसके नीचे आपने वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे और यहाँ पर अब यहाँ पे टाइटल नाम डाल दिया, उसके नीचे आपने उसका लिंक यहाँ पे और सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, अब आप देखिए इस वीडियो में मैं चलता हूँ, ठीक हो गया। ये देखो ये वो लिंक उनके उनके साथ शो होगा, ये देखो ये लिंक,
इसी तरह वो लिंक आपको देंगे, और ये जो लिंक आपका शो होगा अगर आपकी 1 मिलियन यहाँ पे व्यूज जो शो हो रहे होते हैं वो 1 मिलियन क्रॉस कर, उसके बाद वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे कर देते कि जी आप हमारा लिंक लगाएं, और हमारा लिंक लगाने के बाद आपको इतने पैसे दूंगे, इतने पैसे वो पहले पेमेंट आपको कर देते हैं, साथ ही आपको लिंक दे देता है, आपको एडवांस में पैसे देता है कि जी ये आप ले और आप हमारा लिंक लगाएं। सो आपने क्या करना है कि उनसे पैसे लेके आप उनका लिंक लगाए, और अगर आपको कोई और कंपनी कॉन्टेक्ट करती है कि जी आप हमारा भी लिंक लगाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने एडिट करना है, और आपने पहले उससे बात करनी है कि भाई जी आपका लिंक इतने दिनों के लिए रहेगा और इतने पैसे आपने मुझे पे करने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर बीच में आपको कुछ और भी ऑर्डर आ जाए कि आप हमारा भी लिंक लगा दें, तो आपने क्या करना है कि इस यहाँ पे एडिट करके तो यहाँ पे स्पेस दे कि उस लिंक के नीचे आपने उस दूसरे बंदे का भी लिंक लेना है, और वहां से भी पैसे, इससे लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं बगैर मोनेटाइजेशन की फेसबुक की। हमें कोई सरोकार नहीं है, ये मैंने खुद भी बनाया है, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, और अभी आपने भी इसी तरह स्टार्ट करना है बगैर मोनेटाइजेशन की। ये नहीं देखना कि अभी मोनेटाइज होगा, अभी मोनेटाइज होगा तो उसके बाद आप ये काम स्टार्ट करेंगे, नहीं, ये काम आपने सबसे पहले शुरू करना है। हाँ, बाद में अगर फेसबुक मोनेटाइज हो गया तो कोई मसला नहीं है, आपका यहाँ पे जो उनके उनके जो रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं वो उस टाइम आपका पूरा हो चुका हो, तो उस तो आप इजीली मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थे आज का एक कंप्लीट तरीका बगैर फेसबुक मोनेटाइजेशन की आप पैसे कमाओगे और इसी तरीके से कमाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। और वीडियो लाइक जरूर करें, और आपने जो पहला आइकन है उसके ऊपर जरूर क्लिक करिए, मुझे भूल जाता है अक्सर वीडियो में, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसमें मैं जरूर बता रहा कि आपने जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाद आपने वो पहला आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि जो भी नई मेरी वीडियोज आएगी वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।